एक दो ब्लॉगर कम थे, तीन ब्लॉगर आ गए. एंड दैट इज द रीजन मेरे को मेंबर्स ओनली चैट करना पड़ता है. बिकॉज़ स्क्वाड बदल गया है, ये हो गया है, तेरा नाम डाल रहे हैं इधर उधर. बट देयर आर मेनी बिग थिंग्स दैट आर कमिंग आउट. एक दो ब्लॉगर कम थे, तीन ब्लॉगर आ गए. तीसरे का सीओडीएम से कुछ हो नहीं रहा लग रहा है. ट्रैप लगा वीवो के लिए. तुम्हारे मास्क क्यों उतार नहीं अब तक ये बताओ. डाल तो केस. भाई इरिटेट मत कर, आप मत कर, मैं तेरे कंटेंट के कल वो के लिए बैठा नहीं हूँ. अब आप ढूंढ रहे हैं मामा से बाप बांध गए. सो जब आप लोग ये वाला वीडियो देख रहे हो तब से तीन से चार दिन बाद ये टेरेस का माहौल जो वो चेंज हो जाएगा. मेरे व्लॉग में आप लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या चीज़ें चेंज होने वाली है. बट यस, बहुत स्पेशल हम लोग अच्छे से यूटिलाइजेशन करेंगे. बट देर आर मेनी बिग थिंग्स दैट आर कमिंग आउट. जस्ट इमेजिनड बाय द वे, जनता इतना आल बाल स्पैम कर रही थी कि उन्होंने रियलाइज नहीं किया कि मेरे टीममेट्स का आवाज़ नहीं आ रहा है. ये जब अभी मैंने स्पैम हटाया ना तब पता चला, वरना जनता को सिर्फ बहुत खराब हालात है गाइस. कीबोर्ड वाले पहले दिख रही है, चैनल के ओनर को बाद में दिख रही है. भाई बहुत ज्यादा खराब हालात है गाइस. सच बोलूं नहीं बोल रहा हूँ बंद करके. सच बोलूं तो गाइस मेरे को पता है आप लोग बहुत सारे लोग हो जो मुझे चाहते हो, जो मेरे मेंबर नहीं हो. आई नो आई लव यू गाइस, बट देयर इज समथिंग व्हिच इज हैपनिंग राइट नाउ. और उन कुछ चीटियों के वजह से आप लोग जो बहुत अच्छे लोग हो, जो मुझे दिल से सपोर्ट करते हो बट आर नॉट मेंबर्स, उनको चैट करने का मौका नहीं मिल पाता है. एंड दैट इज़ द रीज़न मेरे को मेंबर्स ओनली चैट करना पड़ता है. बिकॉज वो लोग स्पैम करते हैं और चैट को ख़राब करते हैं. आप लोग नहीं करते ख़राब, आप लोग सपोर्ट करते हो, लेकिन जो लोग स्पैम करते हैं और ख़राब करने की पूरी कोशिश करते हैं वो लोग वाट लगा देते हैं. एंड ये चीज़ मेरे मेंबर्स भी रियलाइज़ करते हैं कि मेंबर्स ऐसे इन. देखिए अभी भी एक मेंबर आया, जैसे मिहिर पाटिल आया, वेलकम टू द मॉडल फैम ब्रो, आप बात करेंगे मेरे साथ अब आके. बट दैट इज़ द प्रॉब्लम. आई गेस एक टाइम आएगा, सच बोल रहा हूँ, एक टाइम आएगा गाइज जब सारे स्ट्रीमर्स मेंबर्स ओनली चैट रखेंगे, अनफॉर्चुनेटली फॉर एवर होगा ये. रश आरोपी वेलकम टू द मॉडल फैम ब्रो. Hey Subramanya Shenoy, thank you so much. Soul Gaming, love you bro. Love you. मेरा. और स्काउट क्या हुआ आज, पहले बता मुझे पूरा मैटर समझा. कुछ नहीं हुआ. नहीं अभी क्या हुआ? बहुत दिनों बाद बूम हुआ. और स्काउट कैसा है? किस बात को लेके? पहले बूम बता. अरे क्या हुआ था कि कल मैं स्ट्रीम कर रहा था, ठीक है, तो नॉर्मल कर रहा था, तो कल माफिया खेला, ठीक है, तो कल कुछ तो नेट का इशू था, मेरे को बंद करना पड़ा स्ट्रीम, ठीक है, तो मैं कल सो गया, कुछ पता नहीं क्या हुआ. मैं सुबह मॉर्निंग उठा, मैं देखा चल क्या हुआ, माफिया गेम पे क्या फीडबैक आया होगा. तो वहाँ पे लिटरली कुछ कमाने का लिए चल रहा है, स्क्वाड बदल गया, ये हो गया, तेरा नाम डाल रहे हैं इधर उधर का नाम डाल रहे हैं, फिर डाल रहे कि जनता के हिसाब से क्यों नहीं कर रहा. जनता का हिसाब क्या होता है? जनता के हिसाब से ये होता है, जनता का बोलेगी नाच तो नाच, मुझा कर तो मुझा कर, ऐसा मुझा कर, ठीक है. लोग ये भूल गए, ये नहीं होता है, स्ट्रीमर वो गेम को इंटरेस्टिंग बनाता है. अच्छा पहला चीज, ठीक है वो चलो, उसमें कुछ बोला नहीं है, माचता है. तो मैं पढ़ रहा कमेंट पढ़ रहा, मतलब उसमें देखना आधे ज्यादा कमेंट में यही चल रहा है कि स्काउट तू बदल गया, तू ये क्या पैसा के लिए ये कर रहा है, मेंबर्स ओनली क्यों कर रहा है, लोड़ा लक्ष्मण. एक को मैंने रिप्लाई कर दिया, भाई देख
मेंबर्स पे करते तो ऑब्वियसली उनको उनका पर्क मिलना चाहिए। हाँ राइट। अबे एक बात बताओ, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है ऑडियंस के बीच में। जो मेंबर्स ओनली स्ट्रीम होता है ना, इनको लगता है उसमें ज्यादा पैसा है। लॉल लॉल ऐसा हाँ, नहीं होता है बे, उसमें कम होता है बट उसमें बहुत शांति होती है, ऐसा होता है बस। क्वालिटी होती है भाई उसमें। भाई सीधा बात है, सबको ये चाहिए कि मतलब उसमें ऐसा है ना कि भाई देखो, आप लोग एक बात बोलता हूं मॉडलर स्काउट का, ठीक है भाई। इन लोग इस लेवल पे आ गए जहां इन लोगों को एंजॉय करना, इन लोगों को पीस ऑफ माइंड चाहिए। अगर आप लोग आके इनका पीस ऑफ माइंड टेंपर करोगे, इन लोग क्यों करेगा नॉर्मल स्ट्रीम।